नमस्कार, वडोदरा न्यूज नेटवर्क में आपनो स्वागत छे। ने आज आप एक महत्वना विषय पर चर्चा करवा जई रहा छे। पहला आपणे बाळकोने टीवी अने मोबाइल थी दूर राखता हता, जेनाथी तेनी आँखोने नुकसान ना थाय। परंतु कोरोना संकटना कारणे ज्यारे तमाम वस्तु हवे ऑनलाइन थई गई छे, बाळकोनुं शिक्षण पण ऑनलाइन थई गयुं छे, त्यारे बाळको स्क्रीननी सामे वधु ने वधु समय વિતાવી રહ્યા છે અને તેના કારણે તેમની આંખોને પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે। એક સર્વે પ્રમાણે બાળકોને સતત જે સ્ક્રીન સાથે તેઓ રહે છે તેનાથી તેમની આંખોને નુકસાન થઈ રહ્યું છે। આ નુકસાન શું છે, તેનાથી ભવિષ્યમાં કેટલું મોટું નુકસાન થઈ શકે છે, તેનાથી આપણે કેવી રીતે બચી શકીએ છીએ, તે તમામ વિષય પર વાત કરવા માટે આપણી સાથે આજે ડૉક્ટર મોનિકા છે। મોનિકા આપણાને બતાવશે કે આ સમસ્યા શું છે અને તેનું સમાધાન શું છે। ડૉક્ટર સાહેબ, પહેલે તો આપકા સ્વાગત હૈ ઇસ ચર્ચા મેં। જિસ તરહ સે મેને શરૂઆત કી કે પહેલે હમ બચ્ચો કો દૂર રખતે થે ઓર અબ ઉનકો ઉનકો હી દે રહે હૈ, તો ઉસ સમય ભી નુકસાન હો રહા થા, અબ ભી નુકસાન હો રહા હૈ, તો કૈસે કૈસે મામલે સામને આ રહે હૈ। નમસ્કાર, મેં ડૉક્ટર મોનિકા જેઠાની, ડાયરેક્ટર ધ આઈ ક્લિનિક એન્ડ વડોદરા લેસિક લેઝર સેન્ટર। અભી મેં સિર્ફ એક ઓફથલ્મોલોજિસ્ટ નહીં, મેં દો બચ્ચો કી માં ભી હું। मेरा छोटा बेटा सीनियर केजी में है और बड़ा वाला सिक्स ग्रेड में है। दोनों अलग अलग स्कूल में हैं, दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो प्रॉब्लम्स ये खड़ी हुई हैं कि मैंने आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैंने मेरे बच्चे का स्कूल, बड़े बेटे का स्कूल शिफ्ट किया सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल टैब इंट्रोड्यूस कर रहा था, राइट। आई शिफ्टेड हिज स्कूल, पर बाय दैट टाइम हम ये प्रॉब्लम से हम सब पीड़ित हो गए कि लाइक यू नो कोरोना आ गया एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि हमारे बच्चों की लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। एंड बच्चों को अब पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अब जब ये बातें बहुत ज़रूरी हो गई हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो हमें हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर को सजग करना है कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस लें ताकि बच्चों की आंखों को कम से कम नुकसान हो। तो जिस तरह से नुकसान की बात की, तो अभी केस कैसे आ रहे हैं आपके पास, शिकायत केस कैसे? बहुत ज़्यादा केस ऐसे आ रहे हैं कि एक तो चश्मे के जो नंबर वाले पेशेंट्स थे उनके नंबर्स बढ़ गए हैं, राइट। और आँखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, पेशेंट हेडेक की कंप्लेन करते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं मैडम बच्चों को हेडेक हो रहा है और आँखों में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है। सो ये इसीलिए हो रहा है कि बच्चे कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मैडम, ऐसा भी कहा गया था कि जो हमारी आँखों की पुतलियाँ होती हैं उसका भी स्ट्रक्चर बदल जाता है, हम एक ही एक जगह देखते हैं। तो देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, पुतलियों का स्ट्रक्चर बदल जाने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई नज़दीक का काम कर रहे हैं, बहुत नज़दीक अगर हम कांस्टेंट देख रहे हैं, तो जो हमारी आंखें हैं वो एकोमोडेशन स्पाज़म में चली जाती हैं, राइट। तो वो एकोमोडेट इतना ज़्यादा, क्योंकि हमको नज़दीक देखने के लिए ऐसी मसल्स का आँख में यूज़ करना पड़ता है जो नज़दीक क्लियरली देख पाएँ, पर ज़्यादा नज़दीक देखने से एकोमोडेशन स्पाज़म हो जाता है, जिससे देखने में भी दिक्कत हो सकती है और सर में भी दर्द हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देर इज़ अ रूल ऑफ 20-20-20, विच मीन्स कि अगर आपने 20 मिनट तक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल या आपने टीवी देखी है, तो आप 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी तक देखिए। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है आप कांस्टेंट नज़दीक ना देखते हुए हर 20 मिनट के अंतराल पे 20 फीट दूरी पे देखिए, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे आप बच सकते हैं। मैडम, अभी जो कोरोना काल है, अब बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, अब मोबाइल भी ज़रूरी है, तो ये जो समस्याएं तो आ रही हैं, लेकिन अब इससे कैसे हम बच सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बहुत ही ज़रूरी है आज के लिए पेरेंट्स और बच्चों सबको जानना कि सबसे पहले हम आते हैं कि मोबाइल और उनकी स्क्रीन की साइज़ पे, बराबर। अगर बच्चा मोबाइल से पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अगर वो लैपटॉप से पढ़ रहा है तो उससे बेटर है, पर अगर हम HDMI केबल से लैपटॉप को हमारी टीवी से कनेक्ट कर सकें तो जो उसका डायमीटर है वो बढ़ जाता है और बच्चों की आँखों को कम से कम नुकसान होगा।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो है जिस भी आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा है, उसका रिजोल्यूशन कैसा है, वो अगर अच्छा होगा तो हमारे बच्चों को आई पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। फिर चौथी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि आपका जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है। जैसे सपोज़ खिड़की है, पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, सामने खिड़की नहीं होनी चाहिए। आपका अगर यहाँ पे लैपटॉप पड़ा है तो खिड़की साइड में होनी चाहिए, साइड से लाइट आनी चाहिए ताकि बच्चों को कम से कम डिफ़िकल्टी होगी स्क्रीन देखने में। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब जब आप कांस्टेंट किसी चीज़ को देख रहे हैं लाइक लैपटॉप या टेलीविज़न, लाइक जैसे बच्चे आज तो चलो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं पर उसके पहले भी जब बच्चे कार्टून देखते थे तब वो एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहते हैं, वो इतने ज़्यादा एनगॉर्ज्ड होते हैं, वो इतने ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देख रहे होते हैं कि वो मिस नहीं करना चाहते हैं। देखिए जैसे अभी आपने ब्लिंकिंग की, बराबर, पर जब हम किसी चीज़ को इतने ध्यान से देख रहे होते हैं तो ब्लिंकिंग इज़ एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, मतलब वो हम सोच के नहीं करते, वो हमारे हाथ में नहीं है तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। जब हम आँखों को ब्लिंक नहीं करते हैं तब आँखें शुष्क हो जाती हैं, आँखें ड्राई हो जाती हैं, राइट। हमारे आँखों में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो आँसू प्रोड्यूस करती हैं और जब हम आँखों को बंद करके खोलते हैं तब आँख गीली हो जाती है। सो वो बहुत ज़रूरी है जो कि हम कंप्यूटर मोबाइल टीवी यूज़ करते वक्त भूल जाते हैं या हमसे रह जाता है। तो इसीलिए हमें खुद ये करना पड़ेगा कि हम आँखों को कुछ सेकंड के लिए बंद कर लें और फिर खोल के अपना काम करें। मैडम जिस तरह से आपने बताया कि ये जो आँखों को थोड़ा आराम देना चाहिए, 20 फीट दूर से देखना चाहिए, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उसे कोई घरेलू जो उपचार बता सकते हैं कि आँखों को कैसे हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें? नहीं, देखिए मैं आपको इस मामले में आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि आपको घर की कोई भी चीज़ लाइक गुलाब जल, गाय का दूध, शहद, एनीथिंग यू आर नॉट सपोज टू पुट इनसाइड द आँख, आँख के अंदर आपको नहीं डालना है कोई भी चीज़। इनफैक्ट जो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स भी आते हैं उनमें बहुत अलग अलग कंटेंट होते हैं, लाइक प्याज का रस होता है, किसी में नींबू के छिलके का रस होता है, लहसुन होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डेंजरस फॉर योर आई, आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ये कभी मत यूज़ कीजिए। पर हाँ, मैं आयुर्वेदा होम्योपैथी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, आप अगर चाहें तो आँख के ऊपर, आँख को बंद करके ककड़ी का लाइक यू नो ककड़ी की एक स्लाइस या आलू की एक स्लाइस या फिर जो टी बैग्स होते हैं हमारे उनको फ्रिज में ठंडा करके आप आँख के ऊपर रख सकते हैं, या गुलाब जल का भी आप कॉटन में लेके आँख के ऊपर आप रख सकते हैं, वो आपकी आँखों को रिलैक्स करेगा। या फिर आजकल एलोवेरा जेल मास्क आते हैं उनको आप फ्रिज में रख के और वो आँखों पर टाई कर सकते हैं, बट आँख के अंदर स्ट्रिक्टली कुछ भी डालना अलाउड नहीं है। मैडम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आँख में कुछ गिर जाता है या आँख दर्द होती है तो जोर जोर से पानी से आँख को धोते हैं तो उससे नुकसान हो सकता है? ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर आपके आँख में कुछ सपोज कभी फेविकॉल चला जाता है, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कभी हार्पिक चला जाता है, कभी एसिड चला जाता है, उस वक्त आँखों को पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो आँख के अंदर गया है वो कम हो जाए। और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाएं आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। अगर बाय चांस आप डॉक्टर उस दिन अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अवेलेबल है, राइट, CMC, HPMC, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, इस तरीके के उनके कंटेंट्स होते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी अच्छी ब्रांड का लेके आप डाल सकते हैं, ये आपकी कॉर्निया को हील करने में हेल्प करेगा। सेम यही ड्रॉप आप ऑनलाइन क्लासेस के वक्त भी अगर बच्चों को ड्राइनेस हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये होगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैडम एक सवाल इस थोड़ा हटके भी है कि आँखों को जब दर्द होगा, आँख थक जाएंगी, तो आँखों के साथ साथ और क्या बच्चों में तकलीफें आ सकती हैं? बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल आपने पूछा है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू आंसर दिस कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस की बातें कर रहे हैं कि आँखों को डैमेज हो रहा है, तो ये सिर्फ आँखों को नहीं,
हमें ब्रेन को भी डैमेज हो रहा है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। बिकॉज ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, अगर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारी वो आदत पड़ जाती है कि अभी रिंगटोन आएगी, अभी मैसेज बजेगा, हम कॉन्स्टेंट, हमारा जो दिमाग है वो उसमें ही इन्वॉल्व रहता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने के एक घंटा पहले से मोबाइल या कुछ भी डिजिटल डिवाइस नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि जो उसकी लाइट होती है वो जब हमारी आँखों में जाती है तो हमारा ब्रेन ऐसा परसीव करता है कि अभी तो दिन ही है, अभी रात नहीं हुई है, तो हमें सोना नहीं है, एंड इट इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन एंड डिप्रेशन इन टू द जनरल पब्लिक। मैडम आखिरी सवाल, ये आम जनता का मैं देखा है काफ़ी लोगों को, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, मगर लोग जब अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो बैटरी को बचाने के लिए उसका स्क्रीन, उसका जो शाइनिंग है लो कर देते हैं कि थोड़ा कम दिखेगा तो बैटरी लॉन्ग टर्म तक चलेगा, कितना होना चाहिए ब्राइटनेस? यस, दिन के फुल ब्राइट भी नहीं होना चाहिए, वो भी हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। जब आप अगर डे लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो 50% या 40% इज इनफ, पर अगर आप नाइट लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आजकल ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स में नाइट मोड अवेलेबल है, या उसमें ऑटो फंक्शन भी आजकल अच्छे मोबाइल्स में आता है जो ऑटोमेटिक आपके सराउंडिंग कंडीशंस को डिटेक्ट करके ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। पर आई वुड से कि अगर आप रात को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ब्राइट लाइट मत यूज़ कीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम रात को अंधेरे में लाइट बंद करके कंबल के अंदर घुस के बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर आपको यूज़ करना भी है तो आप लाइट्स ऑन करके यूज़ कीजिए, अंधेरे में मोबाइल नहीं यूज़ करना। खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर मोनिका आपका, और आप जो ही रहा था कि आपने चर्चा करी रहा था, हाल जो शिक्षण पर जो चर्चा चाली रही थी तेनो जा एक भाग हतो कि जो ऑनलाइन शिक्षण हाल चाली रही है, साथे साथे हवे वर्क टू होम पण चाली रही है, एटले मोटा लोको पण मोबाइल पर ज वधु काम करी रहा है, अने तेना कारणे तमारी आँखों ने नुकसान थई शके छे, अने जे रीते डॉक्टर साहेबे कीधु कि आँखोनी साथे साथे तमारी जे मानसिक स्थिति छे तेने पण आ डेमेज करी शके छे, एटले ओछामां ओछो आनो आपणे उपयोग करिए, परंतु कोरोना संकट छे एटले आपणे बची ना शकीए, परंतु सावचेती जरूर राखी शकीए, अने जेम डॉक्टर साहेबे कीधु कि 20 मिनिट जो तमे स्क्रीन सामे जुओ छो तो 20 मिनिट तमे बीजे कंई पण जोई शको छो, 20 सेकंडनी वात हती, 20 सेकंड जो तमे कोई जोई रह्या छो तो 20 सेकंड बीजे कई जोई सको छो।